जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आप MPSI, MPPSC, व्यापम, पटवारी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उसमें जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना। इससे पहले मध्य प्रदेश जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, टेस्ट सीरीज पर आधारित हैं, आप अपना आकलन कर सकते हैं। और MPSI में हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित, संभागों में विभाजित है? तो कितने संभागों में विभाजित है मध्य प्रदेश, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर इसका सही हो जाएगा 10, विकल्प नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, जल्दी से आपने बता दिया होगा, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बरगद का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय पशु आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, उत्तर इसका सही हो जाएगा ब्राडरी, जो प्रजाति का होता है बारह सिंगा, वो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का, है ना, ब्रेडरी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस, मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राजकीय दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं, महत्वपूर्ण है, उत्तर इसका सही हो जाएगा 29, विकल्प नंबर सी इसका सही है 29। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी हमने लोकसभा सदस्यों की संख्या देखी, अब राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपको बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा 11, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 11। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कितनी है, तो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 230, सभी को पता है, बनते जा रहे हैं सभी से क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की राजधानी तो सभी को पता ही है ना, भोपाल। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार बताना है आपको, यहाँ पर ना साप्ताहिक ऊंचा है ना दैनिक ऊंचा है, तो आपको बताना है वो है ग्वालियर अखबार, है ना, जो कि साप्ताहिक था, ग्वालियर अखबार है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, उत्तर इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है, तो इसका सही उत्तर तो क्या है, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कमेंट में जल्दी से उत्तर बताएं आप, कितने प्रतिशत है, 9.37%, विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है, देश के पांच राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती, चार विकल्प हैं, है ना, चार में से एक का चयन करना है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, जी हाँ दोस्तों, विद्युत उत्पादन आपको बताना है कब से प्रारंभ हुआ, चार विकल्प में से एक का उत्तर आपको बताना है, उत्तर सही होगा 1905। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी, जल्दी से बताएं, सर्वप्रथम हेनरी हॉवर्ड ने बनाई थी सर्वप्रथम विद्युत योजना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, कमेंट में जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, विद्युत अनुसंधान केंद्र तो वो है भोपाल में, विद्युत अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है, तो जल्दी से आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत पर जो है निर्भर है। नेक्स्ट है, राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, या
बनी है तो वो बनी है बेतवा नदी पर, ठीक है। ताप ताजघाट बृहत विद्युत परियोजना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती, तो ये चार विकल्प हैं, चार में से एक का उत्तर बताना है, उत्तर हो जाएगा नेपानगर। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, जल्दी से लिखें कमेंट में, उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर बी सही होगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है घोटुल प्रथा, कमेंट में लिखें, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से उत्तर हो जाएगा डी, मुड़िया जनजाति में पाई जाती है घोटुल प्रथा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है, तो समानांतर होकर गुजरती है तो वो होगा नर्मदा, नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है, विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जल्दी से बताएं कमेंट में, चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा इसका क्या, विकल्प नंबर ए, भोपाल से होकर गुजरती है। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है, तो जल्दी से बताएं किसके उत्पादन में नहीं है, चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन आपको करना है, इसका उत्तर हो जाएगा कपास, कपास के उत्पादन में प्रथम नहीं है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, कौन सा गांव है जिसे सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया है पूर्णतः, तो वो गांव है कस्तूरबा ग्राम, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है, तो कौन सा एकमात्र जिला है, वो जिला है दोस्तों मंदसौर, मंदसौर एकमात्र जिला है जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज, प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु तो हम पहले पढ़ चुके हैं बारहसिंगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस कौन सा दुर्ग है जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है, चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है, उत्तर हो जाएगा इसका त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था को अपनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया, जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो नई दिल्ली में, और इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया, इसका आपको उत्तर बताना है, उत्तर सही हो जाएगा 1981। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है, जल्दी से बताएं, आपको पता भी होगा, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इंदौर। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है, तो मलाजखंड जो क्षेत्र है वो किस खनिज का उत्पादन करता है, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, मैग्नीज, मैग्नीज के लिए जाना जाता है मलाजखंड। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबी का तीर्थ क्षेत्र बावन गजा स्थित है, तो किस क्षेत्र में है ना, तो वो है बड़वानी, बड़वानी में है बावन गजा, याद रख लेना जैन तीर्थ क्षेत्र है बावन गजा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है, जल्दी से बताएं, अपने को राजपूत मानती है कौन सी जनजाति, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो है कोरकू, कोरकू जनजाति अपने को राजपूत मानती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया, तो प्रथम जो पर्यटन नगर बनाया गया वो बनाया गया शिवपुरी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है कौन सी फसल, तो धान, धान बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, प्रमुख जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है, ये कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो चार में से एक विकल्प का आपको चयन करना है, मालवा के पठार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है बताना है, तो इसका उत्तर होगा भड़ौच का पठार, ये मालवा के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है, जल्दी से बताएं, मंदिर पूछे जाते हैं एमपी व्यापम की परीक्षाओं में, महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, और उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखना है,
मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को क्या कब मिलाया गया था, जो पूर्व का भोपाल राज्य था उसे कब मिलाया गया था, 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश में जलोल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से बताएं, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, चार में से एक का चयन करना है। कौन सा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिम भाग, ये जलोल मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, तो मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है तो किस जिले में है, मुरैना में है। चंबल नदी जो है यहीं से गुजरती है चंबल, और यहाँ पर अपरदन बहुत होता है, मुरैना जिला अपरदन से ग्रसित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जल्दी से आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट काठी है, नाट काठी है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नृत्य भी पूछे जाते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका मालवा, मालवा क्षेत्र का जो नाट है वो काठी है मालवा का। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, जल्दी से बताएं, किस वंश के शासकों ने, सभी को पता है चंदेल शासकों ने करवाया था। कानाकिसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में है मध्य प्रदेश के, और एक किस वर्ष बना तो 1955 में, मतलब विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो खजुराहो के मंदिर किस जिले में है, जल्दी से बताएं, खजुराहो के मंदिर है, महादेव कंदरिया का मंदिर भी यहाँ पर है, छतरपुर जिले में है, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है, सम्राट अशोक से संबंधित कौन सा स्थान है, सांची, सांची है, आपको पता होगा अशोक ने कलिंग विजय के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म किसके प्रभाव से अपनाया था, तो उपगुप्त से पूछा जाता है क्वेश्चन, उपगुप्त के प्रभाव से, है ना, सांची जो है अशोक से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो उच्च न्यायालय तो सभी को पता है जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है, अनुसूचित जनजातियों का बताना है किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर सी, झाबुआ में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर में, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र माना जाता है तो कौन सा माना जाता है, मालवा, मालवा में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो सभी को पता है, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, विकल्प नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इन नदियों में से आपको बताना है कौन सी नदी है, कैन, कैन नदी है, कैन, विकल्प नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी किनारे बसा है, चंबल नदी के किनारे बसा है कौन सा नगर है, मऊ, मऊ भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली माना जाता है मऊ, और ये जो है चंबल नदी के किनारे बसा है, याद रखो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में लोह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है, तो लोह अयस्क उत्पादित करने वाला जो जिला है वो बालाघाट, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है, अफीम कहाँ पर उत्पादित होती है, तो मंदसौर में होती हो अफीम। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो प्रथम पर्यावरण न्यायालय जो है वो भोपाल में स्थित है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, मैग्नीज उत्पादित करने वाला जो क्षेत्र है वो है छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा में उत्पादित भी किया जाता है मैग्नीज, याद रखो, है ना। और नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित होता है, किया जाता है, वो किया जाता है मझगवा, मझगवा है ये, पन्ना के पास ये हीरे की खान है, तो याद रख लेना है, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है, संगमरमर आपको बताना है मध्य प्रदेश में, तो उत्तर हो जाएगा इसका सही जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर
सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है। तो तेल का उत्पादन होता है कहाँ? मंडीदीप। रिकॉर्ड नंबर ए सही हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? तो जल्दी से बताएं कमेंट में, वो है पीथमपुर में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चचाई है, टॉस है, धुआंधार है, लेकिन कौन सा नहीं है? बोगरा है ना। चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? प्राचीन नाम अवंती है किसका? सभी को पता है उज्जैन का। और कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? कर्मा, जल्दी से बताएं कर्मा नृत्य। उत्तर होगा गौड़। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती? जी हाँ दोस्तों, ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है मथुरा और आगरा प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जहाँ नहीं बोली जाती? तो दतिया में, दतिया में नहीं बोली जाती। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है तो सागर में, है ना। नेक्स्ट है भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? जल्दी से बताएं, भगोरिया नृत्य कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा झाबुआ। विकल्प नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती? बुंदेली भाषा किसमें प्रयोग नहीं की जाती? तो उत्तर हो जाएगा रीवा। विकल्प नंबर ए। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? भारत भवन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ललित कला, प्रदर्शनकारी और कला साहित्य आदि के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? रविंद्र भवन क्या है? चार में से एक का चयन करें। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विशाल सभागृह है रविंद्र भवन। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई दोस्तों 1981। विकल्प नंबर सी। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? जल्दी से बताएं, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है किस स्थान पर? तो चंदेरी में। अगला है प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? तो कुमार गंधर्व जो संबंधित हैं वो है देवास से। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है दक्षिण में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो की गई दोस्तों भोपाल में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है, जल्दी से बताएं। चार विकल्प हैं, चार में से उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मोड़दार। बनावट कैसी होती है? मोड़दार होती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? उत्तर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल बावन गजा है? तो जैन धर्म, जैन धर्म की तीर्थ स्थल है बावन गजा बड़वानी में। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था, जल्दी से बताएं। 30 अप्रैल 1977 को। विकल्प नंबर डी का सही होगा। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? ध्रुपद संगीत का जन्म हुआ वो हुआ ग्वालियर। विकल्प नंबर बीस का सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? किस विभाग में है, कमेंट में बताएं जल्दी से। उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, शिक्षा विभाग में। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तो कौन से में नहीं है तापीय विद्युत केंद्र? तो पैंच। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सागौन के। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहे के पाए जाते हैं, सागौन के। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? जल्दी बताएं कमेंट में। इसे किया गया था 1930 में। प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना जाता था? किसे माना जाता था? तो असीरगढ़ का जो किला था
वो अभेद जिसे भेदा नहीं जा सकता था उसे अभेद माना जाता था सीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? कैसा है मध्य प्रदेश का जो मध्य उच्च प्रदेश का भाग है वो विस्तृत त्रिभुजाकार है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो किस क्षेत्र में रहता है शीतलहर का प्रकोप? उत्तर हो जाएगा उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तवा बांध परियोजना है दोस्तों होशंगाबाद, विकल्प नंबर सी का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा? तो कौन सा शहर है जो मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा? वो है जबलपुर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक निचला क्षेत्र आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है सबसे पहले स्थापित किया गया 1955 में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से होते हैं? तो वो है भागेन नदी। भागेन नदी के बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1970 में। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? खनिज संपदा आपको बतानी है तो किस भाग में है? पूर्वी दक्षिणी भाग, मतलब विकल्प नंबर बी इसका सही है। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? तो कालिदास का संबंध तो आपको पता है उज्जैन से है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ है? तो ये उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा के निकट हैं। उदयगिरी की गुफाएं प्रसिद्ध विदिशा के निकट। मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? तो साड़ियां जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों वो चंदेरी। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1975 में। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान है वो है भोपाल में। विकल्प नंबर ए इसका सही है। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? जल्दी से बताएं चार विकल्प में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद ये शामिल नहीं है भोपाल संभाग में। मंडला के किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो कौन सी नदी का घेरा है जल्दी से बताएं। उत्तर इसका सही हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी का घेरा है? वो है नर्मदा नदी का। नेक्स्ट है भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? किलों का रत्न कहा जाता है तो वो कहा जाता है ग्वालियर के किले को। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं सांची। कहाँ मिलते हैं? सांची। सांची संबंधित है अशोक से, संबंधित है अशोक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है दोस्तों कपड़ा उद्योग। कौन सा है? कपड़ा उद्योग। करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं करेंसी छापाखाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवास। करेंसी छापाखाना देवास में है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है? उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है कौन सा? बघेलखंड। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? वो था नागपुर में प्रारंभिक मुख्यालय। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, मतलब कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमणी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है जो पचमणी के महादेव पर्वत से निकलती है? तो तवा। नेक्स्ट है भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं भरोतिया और नाहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? अब बेमेल बताने जा रही है। जयगढ़ का किला है, मुक्तागिरी में जैन तीर्थ है, बांधवगढ़ किला है, गिन्नौरगढ़ है। तो ये मुक्तागिरी जो हो जाएगा ये इसमें से अलग हो जाएगा, मतलब इनसे सबसे हटके बेमेल हो जाएगा मुक्तागिरी। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
जल्दी से बताएं कमेंट में, उत्तर होगा चित्रकला से। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो कौन सी नदी है जो वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो सोन, नर्मदा, कैन सभी नदियों में बना रहता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? जल्दी से बताएं, कई बार पूछा गया है, होशंगाबाद। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 125 प्रश्नों पर चर्चा की और ये मध्य प्रदेश जीके से संबंधित हैं। आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट मध्य प्रदेश जीके से संबंधित डाल रखे हैं, हिंदी से संबंधित और इंडिया जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं टेस्ट सीरीज पर आधारित। टेस्ट जरूर लगाएं, अपना आकलन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।